मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत रायगढ़ में अधिकारियों की बैठक में शासकीय अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती डीएमएफ एवं सीएसआर मद से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी गौठानों में गोबर की खरीदी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पावर कंपनियों के फ्लाई एश के निस्तारण की कार्य योजना बनाई जाए। किसी भी हालत में नदी नालों अथवा किसानों के निजी खेतों में डंपिंग नहीं होने चाहिए। श्री बघेल ने कहा कि रायगढ़ जिला भी हाथी मानव द्वंद की समस्या से ग्रसित है। नरवा विकास कार्यक्रम से द्वंद कम करने में मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बारिश अब समाप्ति की ओर है। जिले में खराब सड़कों की मरम्मत तेजी से करें, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। निस्तारण के लिए यहाँ कार्य योजना बनना चाहिए ताकि निजी भूमि में या शासकीय भूमि में कहीं भी डंप न करें, नदियों में न डालें। नदी को भी सुरक्षित रखना है। जहाँ सारी जगह हम लोग एसटीएफ बना रहे हैं, वहाँ यदि फ्लाई एश डाल के नदी को प्रदूषित करेंगे तो उचित बात नहीं है। तो उसके निस्तारण की व्यवस्था ठीक ठाक ढंग से होना चाहिए। चौथी बात यह है कि हाथी मानव द्वंद से करीब 18 लोगों की मौत हुई है। कुछ जगहों में जो काम हुआ है, खासकर जहां हाथी विचरण के क्षेत्र हैं, वहां के नरवा वाला कार्यक्रम अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि ये दो तीन सालों में जो हम लोगों ने देखा, चाहे तैमूर पिंगला की बात हो, चाहे अचानक मार हो, चाहे कोरिया जिले के घटनाओं को देखें या सरगुजा के, तो जहां इन जंगलों में नाला वाटर रिचार्जिंग काम हुआ, खासकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट,